खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस को मोबाइल गुम होने संबंधी आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे थे। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा उक्त आवेदनों पर कार्यवाही कर उन्हें ट्रेस करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डंडौतिया को निर्देशित किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा साइबर सेल में एक टीम को ग्वालियर जिले से गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस कर शीघ्र बरामद करने हेतु लगाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच ग्वालियर निरीक्षक संतोष यादव एवं प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक रजनी सिंह रघुवंशी द्वारा मोबाइल गुम होने संबंधी प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल की टीम को लगाया गया था। साइबर सेल टीम द्वारा उक्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए विभिन्न कंपनियों के गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया है। साइबर सेल की टीम ने माह अप्रैल मई 2022 में लगभग 12,91,000 रुपए कीमत के 70 मोबाइल बरामद किए, जो कि एप्पल, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, टेक्नो, रेडमी, रियलमी आदि कंपनियों के हैं, जिनको पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया गया है। बरामद किए गए उक्त मोबाइल पत्रकार, हॉस्पिटल नर्स, महिला रिसेप्शनिस्ट, प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंक, सुनार की दुकानों पर काम करने वाले व क्रॉकरी कैटरिंग का काम करने वाले मजदूर वर्ग तथा पुलिस कर्मचारियों आदि के थे। इनमें से कुछ आवेदक ऐसे भी थे जो कि पुनः मोबाइल खरीद ही नहीं पाए। मोबाइल प्राप्त करने वाले एक छात्र ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह स्वयं छात्र हुआ अपनी पॉकेट मनी से पैसा जोड़कर मोबाइल अपनी छोटी बहन को गिफ्ट किया था, जो कि कुछ महीनों बाद ही गुम हो गया था। एक स्कूली छात्रा ने बताया कि उसके पिता एक किसान है और वह अच्छी शिक्षा के लिए मुझे ग्वालियर में रखकर पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उनके द्वारा मुझे यह मोबाइल दिया गया था, जो कि कहीं गुम हो गया था, परंतु ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल की वजह से मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया है। मोबाइल वापस मिलने पर सभी मोबाइल धारकों के चेहरे पर पुनः मुस्कान लौट आई है। मोबाइल मालिकों द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं साइबर सेल की टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने साइबर सेल की टीम को उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।